तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। तेरी चाल। अरे अरे मेरे लिए रख। रखो। देखा तूने, नागलक्ष्मी ने ऐसा झटका दिया है कि दिल में गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है। 420 का झटका बोल। अरे रुक, क्या कर रहा है, इतना दिल पे नहीं लेते। किक मिलती है यार। अब बोल, किसकी बारी है? वो बेचारा तो परेशान। किसने भला है जो बोलना, उसे जाके बोल। अरे मेरा दोस्त है, क्या कर रहा है? बोल, किसने बताया ये? तुमने और चढ़ गई उसे। ओए, एक बार और मारना, सुरसुरी सी होती है। तुम सब दोस्त बराबर पे कलंक हो। क्या है? नागलक्ष्मी ने तेरे कान के नीचे मारा? अपनी करतूत का नतीजा, गुस्से में सबसे मारपीट कर रहा है, और यह है इसके बेवकूफ दोस्त, उसे रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। वही रुक, मैंने रुक, वही गुस्सा के भी बताता हूं तुझे। अरे मारूंगा तो उसे, और जाकर उसे रोको, मैं हाथ जोड़ती हूं। किसी की जरूरत नहीं मुझे टच करने की, वो मुझे क्या थप्पड़ मारेगी? बोल, वो क्या उसके बाप? इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस क्यों हुआ? मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। चल आजा आजा। मैंने गोद भराई की लिस्ट बना दी है। बोलता जा। हल्दी 4 किलो, 2 किलो कर, 3 किलो केसर आधा कर दे। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र है या तुम्हारा राशन वाला? ऐसा नहीं है मामा। समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खोल जाता। मेरी बुराई किसने की? ए बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा, बता। उसने कहा आप दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनन का स्टॉल तक नहीं लगा सकता। है कौन ये? बनियान पे आ गया। मेरे तो कान से खून आ गया। उसने कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूं? आप अपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको। थू है ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नागलक्ष्मी जब से सरपंच बनी है, एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी बिजी नहीं, बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है। और क्या कहा उसने? कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे बंगर राजू, गुलाम लगता हूँ तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हो, उसे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं, राजा हैं राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। मुंह तोड़ देना उसका। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है, उसकी पूरी फैमिली को 1 हफ्ते के लिए अपने घर बुला। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी 7 पुश्तें तक याद रखे। और क्या? बुलाता हूँ। सरपंच को एक पंच मार के यारा चूर चूर कर देना। आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मुंह चढ़ाकर? कोई कुत्ते जितनी इज्जत नहीं कर रहा मेरी। ये सरपंच बनी तो मैंने बधाई दी थी ना, आज पूरा गांव मेरे नाम की जा रहा है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बिजी रही हूँ। काहे की बिजी हो? कुछ भी, इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बिजी हो जाती हूँ। जोकर मुझे कहा? आग की बात नहीं कर रहा बल्कि आग लगाने वाले इन जोकरों की। मुझे नहीं कहा, तू सेल्फी ले। गली का कुत्ता समझ के दूर भागते, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा घोर अपमान, दिल अंदर से रोने लगता है। नहीं करना चाहिए, मन करता है कि मर जाओ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 दिन पहले ही आ जाएंगे हम लोग, चाहो तो नागलक्ष्मी पहले आ जाएगी। अब तो खुश हो? मम्मी हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? वो बंगार राजू बहुत बड़ी आफत है, उस दिन पूजा में विघ्न डाला, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। बस इतनी छोटी सी बात? उस दिन आपने ही हम सबको बताया था उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं। सच्चाई नागलक्ष्मी को समझाइए। दरअसल बंगार राजू ने उन गुंडों से मेरी वजह से ही दुश्मनी मोल ली थी बेटा। पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आए थे, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस मुश्किल में पड़ गया। ये आपने बताया क्यों नहीं? बता देता पर कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है पापा, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। सरपंच जी का स्वागत है। इसकी क्या जरूरत? तुम जो पधारी हो। सरपंच औरों के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं। देख रही हो, नेताओं से 2 कदम आगे। देख रही हूँ। वेलकम वेलकम। उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था, आज ये घर पर आ गई। ये लड़की नहीं आफत है। ये साला उस दिन थप्पड़ को याद करके शराब पिए जा रहा था और आज तारीफों के पुल बांध रहा है। अगर नागलक्ष्मी गुरु है तो हमारा भाई गुरु। आगे क्या होगा? सॉरी।
दरअसल थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू। समझा नहीं कुछ। याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई। नागलक्ष्मी अंदर आ। बंगारा जी मैं अंदर जाऊँ ना? इतना प्यार ये पटेगी नहीं ना? पटने नहीं दूंगा, चल। हाँ। स्टैचू क्यों हो गया? शौक लगा क्या? शौक तो उसे लगेगा। हाँ? हाँ। अच्छा हुआ दोनों थोड़ा करीब आने लगे हैं। आखिर पोता किसका है? अरे सुनो, कुछ कहना था। अरे एक मिनट रुको, कुछ बात बतानी है। अरे अंकल हाथ ऊपर करो। अरे ये घर है कि यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है, बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहाँ जाके खेलना, भाग इधर से। लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा ये बात तो तुम भूल ही जाओ। बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझ के लड़को किया। ये कन्हैया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसीला है। अगर कोई ढंग की बात है तो जल्दी बको, सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। इतनी हिंट दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही। मुद्दे पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लड़कियों को झांसा देना उसके बाएं हाथ का खेल है, क्रीज पे वो एक दो रन नहीं लेता, सीधा चौका। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती हो। आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा मत हो। इस आफत का नाम है नागलक्ष्मी। जब तक वो सीधा रहेगा तब तक मैं सरपंच के रूप में रहूंगी, अगर टेढ़ी हरकत की तो लेडी सिंघम बन जाऊंगी। एक पंजा मारा ना सारी आशिकी भूल जाएगा। ये जोश ठंडा मत होने देना, ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद लोगी। अच्छा रहने दो, इतना भी बुड्ढा नहीं हूँ। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्। नागलक्ष्मी कहाँ है? हमारा बैजू बावरा हो गया है। क्या अदा है इसकी, नागलक्ष्मी तू मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाय बंगा राजू। हाय। काफी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी इतनी अच्छी दिख सकती हो। सच में थैंक्स अगेन। आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है, ये तो फ्री है। तेरी तो नहीं, नहीं मुझे बहुत काम है। ओके ओके मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ए क्या सब फोन में लगे पड़े हो, इधर आओ। क्या बात है दीदी, मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुक्का छुपी चोर पुलिस। लुक्का छुपी और चोर पुलिस।